15 सेंटीमीटर में कितने इंच होते हैं अभी हम देखेंगे, किसमें, सेंटीमीटर में। तो आप जानते हैं कि पहले आपको पता होना चाहिए कि एक सेंटीमीटर में कितने इंच होते हैं, तो ये रहते हैं आपका 1/2.54 इंच। जब भी आप किसी भी यूनिट को कन्वर्ट कर रहे हैं ना, जिस यूनिट को बदलना है, यहाँ किसको बदलना है, सेंटीमीटर को, तो उसका ए का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। ये रिलेशन आपका क्या रहता है, फिक्स रहता है। ए की जगह हमें कितना चाहिए, 15, तो हम क्या करते हैं इसको 15 से गुणा, ए गुणा 15 कितना आ गया 15, ये सेंटीमीटर है सेंटीमीटर, ए गुणा 15 कितना आ गया 15, नीचे बट्टे कितना है 2.54, ये इंच है तो आपका इंच। तो हम क्या करते हैं अपना डिवाइड कर देते हैं, तो 15/2.54 तो कितना आ गया ये आपका 5.905518 अप्रोक्सीमेट। इसको आप क्या लिखेंगे, 5.906 अप्रोक्सीमेट कैसे होता है, देखिए जहाँ से हम छोड़ रहे हैं, यदि ये संख्या 5 या ग्रेटर देन 5 है तो यहाँ हम +1 करके लिखते हैं, ठीक है। इसको आप ऐसे आसान तरीके से समझ सकते हैं।